बहुत दिनों के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अनाउंस की है कल रात को, और आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वागत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। बेसिकली मेरे वीडियोस होते हैं हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, प्लस मैंने नया सेगमेंट चालू किया है जिस पे हम बात करते हैं कनाडा के स्टडी परमिट पे कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से कॉलेज पे आप हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैनेडियन गवर्नमेंट के तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, वो है कैनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी स्टडी को ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने इमिग्रेशन प्रोग्राम को दो हिस्सों पे डिवाइड कर दिया है। उन्होंने स्टेज वन और स्टेज टू पे इसको डिवाइड कर दिया है। स्टेज वन पे क्या है और स्टेज टू पे क्या है, हम अभी उसी को लेके बात करने वाले हैं। आप यदि जब भी कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम पे आप यदि कभी भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपने आपको सबसे पहले मेडिकल, बायोमेट्रिक सब कुछ सबमिट और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता था। ये पहले होता था, मगर अब नए रूल्स के बेसिस से आपको ये हो रहा है कि आप ऑनलाइन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और कैनेडियन गवर्नमेंट उसको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, उसको क्रॉस चेक करना शुरू कर देंगे। उनको एक वन बाय वन चेक करने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर आपको एक अप्रूवल आ जाएगा कि यू हैव पास द स्टेज वन, जिससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप इस अप्रूवल को मिलने से आप अपने ऑनलाइन के क्लासेस को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विनिंग द 75% ऑफ द बैटल टू गो टू कैनेडा। मगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी है, जो मैं अपने वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा। और एक अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पहले से जान से ही उनका पेपर मतलब उनके ऑनलाइन एप्लीकेशंस फाइल किए हुए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के तरफ से, ये भी बता दिया गया है विद इन 2 or 3 weeks के अंदर अंदर उनको उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। विद इन 1 week के अंदर भी चांसेस हैं, क्योंकि वो अभी प्रोसेस को रैपिडली करेंगे और सारे स्टूडेंट्स को ट्राई करेंगे इतनी जल्दी हो सके उनको अपना अपडेट दे दे। यदि आपको स्टेज वन आपका अप्रूवल हो गया है, तो अभी आपको स्टेज टू के बारे में सोचना है। अब स्टेज टू में क्या क्या आती है, जैसे कि पहले आपको मेडिकल, बायोमेट्रिक्स एज वेल एज पुलिस सर्टिफिकेट आपको जमा करनी पड़ती है। पुलिस सर्टिफिकेट इंडिया के कुछ कुछ कोर्स यदि आप करने जा रहे हो कनाडा पे, तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो भी आपको कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बता देगी कि आपको पुलिस सर्टिफिकेट जमा करनी है या नहीं करनी है, बट कुछ कुछ कंट्रियों पे आपको पुलिस सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए पुलिस सर्टिफिकेट को भी इस प्रोग्राम पे बोला गया है। तो आप जब आपने अपना स्टेज वन क्रॉस कर लिया है, जब आपके VSF ऑफिसेस आपके सिटीज़ पे खुल जाते हैं, नियर बाय में खुल जाते हैं, तब आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेडिकल का और बायोमेट्रिक्स का, और अपने जाके एग्ज़ाम्स मेडिकल एग्ज़ाम देने के साथ साथ बायोमेट्रिक्स का भी आपने अपना हैंड प्रिंट्स दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका स्टेज टू यदि अप्रूव हो जाता है, यू आर ऑल सेट टू गो फॉर कैनेडा स्टडी। अब आती है थोड़ा सा क्रूशल पॉइंट क्या है। क्रूशल पॉइंट यहाँ पे है कि कहीं आपका स्टेज वन तो क्लियर हो गया, आपने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिए, बट कहीं गलती से आपका स्टेज टू पे मेडिकल यदि फेल हो जाता है या फिर आपके बायोमेट्रिक्स में कुछ एरर आ जाता है, तब क्या होगा। आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और आपके स्टेज टू अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है, तो आपका पैसा जो आपने ऑनलाइन स्टडी करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, वो पैसे आपके अटक जाएंगे, क्योंकि कॉलेज आपको वो पैसा रिटर्न नहीं करने वाला है। जितना कोर्स आप ऑनलाइन में कर लेंगे, उतना ही कोर्स के पैसे वो डिडक्ट करके बाकी पैसा आप यदि रिफंड मांगोगे तो आपको रिफंड कर देंगे। बट और एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कॉलेज के तरफ से, कुछ कुछ कॉलेज के सेम कोर्स ऑनलाइन में भी होते हैं, तो आपको यदि मौका मिले तो आपको ब्लेंड कोर्स पे भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट सबका तो ड्रीम यही होता है कि भाई हम कनाडा जाएंगे, वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, तो ब्लेंड कोर्स के चांसेस बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्टेड रहता है।
तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेजेस दिख रहा है इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के साथ। तो मैं, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपके मेडिकल में चांसेस कम हैं, कि आपका मेडिकल माइट भी फेल हो सकता है, या फिर बायोमेट्रिक्स आपका रिजेक्ट हो सकता है कुछ कारणों से, आपको यदि दिल पे या दिमाग में कहीं पे भी 5 या 10% का भी डाउट है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू ना करें। ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, अब आपके ऊपर है। आप मोस्ट प्रोबेबली सब कोई रिस्क लेना ज़रूरी सोचेगा, क्योंकि इतने दिनों से हम वेट कर रहे हैं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ वीज़ा अपडेट का। तो सबके दिमाग में यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके हमारा प्रोसेस आगे बढ़े। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो, जाने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और से और वीडियोस बनाऊं। और यदि आपको इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी कमेंट है, अच्छा हो या बुरा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके डालें और मैं उस कमेंट्स के रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और यदि आप पर्सनली मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे आके मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी सवाल हो तो मैं उसके सवालों का जवाब भी आपको दूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे थोड़े नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं कनाडा के रिलेटेड। गाइस, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।